Yes, आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? हमारा 8:05 का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम आधा मिनट लेट हो गए हैं। ठीक है ठीक है, आप लोग बैठिए, डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में, अभी आते होंगे। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था, मैंने एक बच्चे को मेंढक की आंख फिट करके आया। बोलो, मेंढक की आंख? हाँ, बच्चे की आंख का साइज छोटा होता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको भी मेंढक की आंख लगाएंगे? अरे देख रहा, मैं पागल हूँ, इसको मेंढक की आंख लगाऊंगा? अरे इसको तो मैं दो अलग अलग आंख लगाऊंगा, एक बकरे का, दूसरा उल्लू का। जी हाँ, देख, बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा, पर उल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। डबल बजाने सिंगल डम, डॉक्टर रुस्तम जीत का दम। डॉक्टर साहब, आप मुझे इंसान की आंखें नहीं लगा सकते? हाँ। देख, इंसान की आंख लगाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5,000 एक्स्ट्रा होगा, उसका फायदा क्या है? जी मैं पूरे 25,000। नहीं नहीं, सीमा रहने दो, मैं उल्लू और बकरे की आंख से काम चला लूंगा। नहीं राज, तुम्हें मेरी कसम, अभी ऑपरेशन का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो मेरे को भी दिखेगा नहीं। क्यों? ये जो मेरी दोनों आंखें हैं ना, ये बकरे का है। चलो चलो, सॉरी। ओके, इतना बड़ा ऑपरेशन है तो मेरे साथ चलता है। अरे चलो चल, बैठ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो, कितना डेंजर केस है मालूम है? चलो हरी अप हरी अप। ऑल द बेस्ट राज। मेरा इंतजार करना सीमा, मेरा इंतजार करना। बादशाह भाई, कैसा लगा? कैसा क्या लगा बेवकूफ, अंदर क्या बेकार की बातें कर रहा था तू भी? दो दो आंखें लगाऊंगा, एक बकरी की और एक उल्लू की। अरे उसको इंप्रेस करने के चक्कर में जरा ज्यादा भूल दिया मैंने। अबे साले, तेरे इंप्रेस करने के चक्कर में सारा भांडा फूट जाता, सब मालूम पड़ जाता उसको। मैंने पहले बोला मेरे को डॉक्टर का जमता नहीं है, तो क्या बना तेरे को फिर? मैं हमेशा कमांडर बनता हूँ ना। कमांडर बनता हूँ बेवकूफ। देखो बादशाह भाई, कितनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे को साथ बोलते हैं। पट्टी लगा, पट्टी लगा। कितनी मेहनत करता हूँ, दुख को तो मालूम है क्या? इतनी जल्दी पट्टी खोलेंगे आप? अरे दिख रही, ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें तुरंत पट्टी निकालना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेशन होता है ना, तो हम लोग पट्टी लगाते नहीं है। चल दिख रहा, अभी तू सबसे पहले किसको देखेगा बोल? मैं सबसे पहले उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ईस्ट में कलर होने जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। चल दिख रहा, अभी जल्दी से एक झटके में आके कॉल। दाई खोलूं की बाई? दोनों एक साथ कॉल, नहीं तो तेरी देवी है ना, तेरे को आरी आरी दिखेगी। चल कॉल। मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सीमा ना, सीमा तुम कितनी सुंदर हो, और ये हॉस्पिटल कितना आलीशान है। बहन, आंटी आंटी आंटी, आप भी कितनी अच्छी है, और डॉक्टर साहब आप कितना अच्छा हिलते हैं। बहुत प्रैक्टिस किया दिख रहा। थैंक यू डॉक्टर। ओह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अभी नहीं, अभी नहीं, ए तीसरा ऑपरेशन है, चलो चलो। सीमा, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी राज। मैं भी। अखरोट खाओगी? इन आंखों से दुनिया कितनी रंगीन लगती तुम्हारे लिए। कमाल है, आज भी अखरोट टूटा हो, शीशा नहीं टूटा। कुछ कमाल नहीं है, अगर अखरोट फेंकने वाले के दिल में किसी के लिए प्यार हो, तब अखरोट नहीं सिर्फ शीशा टूटता है, ये मेरा मानना है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? एक सेकंड, ट्राई करो, फेंको फेंको। हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, और तुम्हारी आंखों में तो मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है। कहीं तुम्हें मुझे मिस्टर बादशाह, मैंने अपनी बेटी की शादी नितिन से करवाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था, और तुम खुद उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, झुंझुनवाला साहब, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो असली बात यह है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है, और दिल तोड़कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप नितिन को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। मेरी बात का यकीन करो सीमा, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। आज राज का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो चलो। आगे, 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 आगे। चुप। गो।
अरे यार एकदम कमाल ही हो गया। नहीं, इधर से अंदर आई तो मेरा घर, उधर से अंदर आई तो आंखों के इलाज का हॉस्पिटल। कुछ भी कहो यार, सीमा से ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, एकदम डर। खुद कहने लगी, अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप हर चीज सही जगह पर कैसे रख लेते हैं? और मेरी खोपड़ी देखो, मेरी खोपड़ी देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं हर चीज अपने कदमों से गिनकर रखता हूँ। अभी देखो मैंने क्या नाटक किया उसके साथ है? मैंने उसको बोला देखो ये आगे 3 कदम पे टीवी है और पीछे 3 कदम पे आप। आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शटा, मैंने भी कहा इनको। लेकिन ओके बस, पैसों के लिए इतना बड़ा नाटक किया, क्या नाटक किया? इमोशंस के साथ खेला, कहां मिलता था? अंधा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। सच तो ये है कि अंधे तुम नहीं, मैं थी। मैं तो डॉक्टर को कितनी आसानी से तुम्हारी इन बातों पे यकीन किया तुम पर। ओके, तुमसे प्यार किया। सभी करती हैं। ओह गॉड, आई एम सच अ फूल कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिना मौसम के बाद क्या की खाली हो गई है। 5 मिनट की लेजर ऑपरेशन रहने दो सीमा, मैं बकरे रुल्लू की आंख से कल चला लूंगा। नितिन, काम हो गया डैडी, काम हो गया। चुप बेवकूफ, डैडी मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक बार ये लड़की तेरी हो जाए फिर देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि झुनझुनवाला की फाइल सीबीआई तक कैसे पहुँचती है। चल अंदर चल। अरे पेप्सी पीपी के, अरे यार जल्दी हटाओ ना, जल्दी हटाओ, काम हो गया। थैंक यू मिस्टर बादशाह। हेलो मिस्टर झुनझुनवाला, आपने एक बाप का सपना पूरा कर दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये रहे आपके बाकी के 40,000। थैंक यू रामलाल, ये स्विस अकाउंट में डाल दो। ओके सर। वैसे सर, जिनकी जिंदगी छोटी होती है उन्हें बड़े बड़े वायदे नहीं करने चाहिए। जी अरे आपका है ना वो, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। गॉन, हे कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सीमा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती। बस तुम जाओ और उसे खुश रखना। ओके श्योर, ऑल द बेस्ट। श्योर चले अंकल। एक एक मिनट, एक ये 25,000 रुपये मैंने आपकी बेटी से लिए थे ऑपरेशन के बहाने, और ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले बादशाह भाई, पहली बार इस काम में मजा नहीं आया, लड़की का दिल तोड़ना नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा मेरे को लगा। नहीं नहीं रामलाल, किसी का दिल जोड़ने के लिए कभी कभी दिल तोड़ना भी पड़ता है। अब देखो, अगर मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ता तो वो अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। अपने को कॉन्ट्रैक्ट भी यही मिला ना, जिसके लिए इतने पैसे मिले। और देखो वैसे भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कि सीमा को हमारी असलियत का पता चले, तुम फॉरन कोर्ट मैरिज कर लो। ओके राइट, ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। सीबीआई ऑफिसर दीपक मल्होत्रा? यस, धनलक्ष्मी बैंक घोटाले केस में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूं। आज 26 सितंबर का दिन गोवा के इतिहास में गायत्री बच्चन का मरण दिन बन जाएगा। अभी कुछ ही देर में उसके मरने की खबर आएगी और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गुड न्यूज आ गई। हेलो, मैं रानी बोल रही हूँ। हाय रानी, सुना दो खुशखबरी की कहानी। चीफ, शिवा की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मिशन हैज फेल्ड। मिशन फेल हो गया। 26 सितंबर गोवा, सीएम मिसेस गायत्री बच्चन का पब्लिक फंक्शन। उस फंक्शन से 200 मीटर दूरी पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ। उस कार में मरने वाला मुंबई का एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर शिवा था। उसके पास से पुलिस को यह पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स, मुंबई से गोवा तक आने जाने का रिटर्न टिकट और सीएम के फंक्शन का जला हुआ ये वीवीआईपी पास मिला। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से 1 करोड़ रुपया कैश और यात्री बच्चन की ये तस्वीर मिली।
चीफ, इसका मतलब है शिवा को किसी ने सीएम की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और शिवा के पास से फंक्शन का वीवीआईपी पास मिलने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की पहुंच बहुत अंदर तक है। एग्जैक्टली, बट रिमेंबर, एक्सीडेंट में कॉन्ट्रैक्ट किलर मारा गया है, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला नहीं। इससे पहले कि वो दोबारा कोशिश करे, हम अपना एक सीक्रेट एजेंट गोवा भेजेंगे, जहां वो न सिर्फ मिसेस गायत्री बच्चन की हिफाजत करेगा बल्कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। मैंने इस केस के लिए एक ऐसा होनहार एजेंट चुना है जो इतना काबिल है कि उसने अकेले ही झुंझुनवाला बैंक फ्रॉड केस को सॉल्व करके उसकी फाइल 24 सितंबर को मेरे पास भेज दी। और साथ में इतना सीक्रेट भी है कि सारे डिपार्टमेंट में उसे मेरे अलावा और कोई नहीं पहचानता। मिस्टर नाथन, अब आपका काम यह है कि आप मुंबई जाकर इस सीक्रेट एजेंट को यह कंप्यूटर फ्लॉपी देंगी। इस केस में जिन लोगों पर हमें शक है उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। उनसे कॉन्टेक्ट करने का तरीका वो सब इस कवर में है। ओके। मिस्टर शर्मा, प्लेन में सीट नंबर 1C पर बैठने वाला हमारा सीक्रेट एजेंट होगा। आप उसे ये फूल लगाएंगे और उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखेंगे। जी। एंड मिस्टर चोपड़ा, आप उस एजेंट को गोवा एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और इस फूल के जरिए आप उसे पहचानेंगे। राइट सर। आप उसे वो तमाम चीजें देंगे जिनकी जरूरत उसे इस ऑपरेशन में होगी। ओके जी। एंड नाउ फाइनली, हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन मां और हमारे सीक्रेट एजेंट का कोड नेम होगा बादशाह। खबर, आज सीबीआई की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या बात है चीफ? बात दिल्ली सीबीआई तक पहुंच गई है और इंक्वायरी करने के लिए बादशाह नाम का एक सीक्रेट एजेंट मुंबई से यहां गोवा आ रहा है। रानी, कल मुंबई में सीबीआई ऑफिसर मिसेज नाथन उस एजेंट को मिलने जा रही है, तुम उसका पीछा करो। हेलो। नमस्कार, मैं वोडाफोन से मंदीप कौर बात कर रही हूँ। क्या मैं मंदीप कुमार जी से बात कर सकती हूँ? जी बोल रहा हूँ। सर, जानना चाहेंगे, पहले आपके फोन से रात भर कॉल होती थी, अभी नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है सर? जी पहले ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात रात तक बातें करता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई। माफी चाहेंगे सर? अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोले, आपने थोड़ी ना कराई है शादी। सॉरी सर, उनकी शादी किससे हुई है? हुई तो मुझसे ही है। बताओ।